पावरफुल मेयर यस पॉलिटिकली, लेकिन पावर्स कितनी होंगी? सी आई मीन आप मेयर को आप यार कुरानदाजी करा लो, मैं तो कहता हूँ ना, आप एक मतलब टोपी के अंदर ना 10 नाम डाल के आप फाल निकाल लो, तोते से आप नाम निकाल लो एक टोकरी में से, या आप उसको इलेक्ट कराओ, आप उसको सेलेक्ट कराओ, जो भी कराओ, पावर कितनी है बंदे के पास? मैं अगर 1.5 करोड़ वोट के साथ आता हूँ हाँ, और मैं अपने पीएन को नहीं निकाल सकता ऑफिस से, तो क्या फायदा मेरे 1.5 करोड़ वोट का यार? ठीक है, तो अगेन देखो इट्स फॉर मी डजंट मैटर बंदा इलेक्ट हो या कुछ भी हो, बंदे के पास इख्तियारात क्या है? सारी गेम ही इख्तियारात की है ना। हमारे मेयर तो मतलब बेसिकली तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी केडीए का जो छोटा मैनेजर होता है वो ज़्यादा काम करा सकते हैं, मतलब कुछ खिलाना पड़ता है उसे, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ काम तो करा लेता है ना। जहाँ तक इमरान खान साहब का है कि जी डायरेक्ट मेयर हो, तो वो अदम इर्तिकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं कि मेयर जो है सीना ठोक के बोले मुझे तो लोगों ने डायरेक्टली किया है, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, वो खुद भी सदर बनना चाहते हैं। अगर तो आप वार्ड यूसी और यूनियन काउंसिल की सतह पे अगर आप लोगों को एम्पावर कर रहे हो और फिर आप एक डायरेक्ट इलेक्ट भी कर लेते हो, तो उसके अपने चैलेंजेस होंगे। यूसी में हो सकता है किसी एक पार्टी का हो और डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है दूसरी पार्टी का हो, वो चैलेंजेस होंगे, मगर वो तजर्बा दुनिया में कामयाबी से बहुत सारी जगहों पे चल रहा है। इसी तरह से अगर आप यूनियन काउंसिल या वार्ड्स के सतह पे नुमाइंदे लेकर आते हो और वो अपना लीडर ऑफ द हाउस बनाते हैं, वो भी जो है कामयाबी से चल रहा है, वो भी हो सकता है। मगर सिर्फ डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर बना लिया जिसके ना इख्तियार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, ना जिसके पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, जिसके पास ना बिल्डिंग कंट्रोल है, जिसके पास ना सड़क बनाने का इख्तियार है, जिसके पास ना कचरा उठाने का। मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर था तो उस वक्त मैं चेयरमैन वाटर बोर्ड भी था, मैं कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, मैं KMCs और DMCs और मतलब सारे उसके अपने चैलेंजेस थे। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना मेरे पास महीने की कोई 700 फाइल्स आया करती थी, मगर अगेन मैंने उस वक्त डिवॉल्व तो नहीं कर सकता था, मैंने जो है डिसेंट्रलाइज करके महीने के आखिर में तमाम जगह से मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 फाइल आती थी। जिस जगह पर अगर मजबा खाने में उजड़ी और खून का ठेका हो रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ करा रहा है, तो ज़्यादातर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है उसको उसकी निगरानी करे, जिम्मेदार हो। अगर एज एडमिनिस्ट्रेटर आप मेरे ही पास ले आओगे, मैंने एक दफ़ा उस गुनाह पे साइन कर दिए जो बेमानी वहाँ पर हुई है, तो उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा? कल को उस जब पकड़ी जाएगी मैं क्या करूँ? किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो खुद उसका पार्टी हूँ। सो अगर मेयर आप बना भी लें, अगर वो इलेक्टेड हो भी गया, वो बहुत खुश शक्ल है, उससे शहर को और शहर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? तो बुनियादी बात यह है कि सिर्फ चेहरे बदलने की बात नहीं है, निज़ाम को बदलने की, निज़ाम को एम्पावर करने की जरूरत है।